Sex Honor BD Zone and hope all of you are doing great, preparing well for your exam. There are a few things which you have to focus while preparing your PTE speaking. And the first one is your speed. स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए. इससे आपकी फ्लुएंसी पर और आपकी रिकॉर्डिंग पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है. स्पीड का मतलब फ्लुएंसी नहीं होता कि ज़्यादा स्पीड रखेंगे तो अच्छी फ्लुएंसी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. जो भी लोग आपको ये बता रहे हैं ये बिल्कुल गलत है. तो स्पीड आपको बिल्कुल जो है आपकी नॉर्मल वही रखनी है, मॉडरेट रखनी है आप लोगों को. दूसरी चीज़ जिसका आपका फोकस करना है कि कुछ लोग आपको ये बताते हैं कि भी आपको एक तो वन सेंटेंस पैटर्न फॉलो करना है, वो मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दिया था आपको कि वन सेंटेंस पैटर्न फॉलो नहीं करना है. इससे आपकी रीडिंग में जो ग्रेस मार्क्स जाने हैं वो नहीं जाएंगे. इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट योर रीडिंग स्कोर. प्लस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब कोई वर्ड हैवी आ जाता है तो आप उसे स्किप ना करें. ऑब्वियसली आप 2-3 महीने से प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने पीटी के एग्जाम के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई वर्ड है जो आप नहीं बोल पाएंगे. और आपको आपके क्वेश्चन से पहले भी 35 सेकंड्स मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए. तो जो प्रिपरेशन टाइम मिलता है आप लोगों को उसमें सारा रीड अलाउड पढ़ने की बजाय सिर्फ उन्हीं वर्ड्स पर फोकस कीजिए जो आपसे प्रोनाउंस नहीं हो पा रहे हैं ढंग से, उन्हें 2-3 बार बोल कर देखिए. थर्ड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो है एक्सेंट. आपको एक्सेंट रिपीट नहीं करना है, उसको कॉपी नहीं करना है. जो आपका नॉर्मल एक्सेंट है रिपीट सेंटेंसेस में उसे ही रखिए आप. फोर्थ चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, डिस्क्राइब इमेज का जो कंटेंट है वो सारा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको. मेन पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं. डिस्क्राइब इमेज है टॉपिक का नाम, एनालाइज इमेज नहीं है. तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा आप लोगों को. जितना समझ में आ रहा है अच्छे से आ रहा है उसे बोलिए. योर आंसर शुड लाई बिटवीन 25 to 35 seconds एंड दैट्स इट. इससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे. जो चीज़ आपको नहीं आ रही है वो आप मत बोलिए. अगर मैं बात करूँ रिटेल लेक्चर की, रिटेल लेक्चर में कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत कम कंटेंट मिल पाता बोलने के लिए. तो अगर आप उसे रिपीट करना चाहें तो कर सकते हैं. अगेन योर आंसर शुड लाई बिटवीन 25 to 35 seconds. इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कंटेंट में थोड़ा बहुत रिपीट कर सकते हैं. और लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी, दैट इज़ योर आंसर शॉर्ट क्वेश्चन. उन्हें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना. नो डाउट इंपॉर्टेंट सब कुछ है, लेकिन बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है. अपने एग्जाम से 7-8 दिन पहले आप उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. Thank you.